थानोस वो स्टोन अपने हाथ में लिए सोच ही रहा था कि ये सिक्स में से पहला मिल गया और ये एक जमाने में प्रॉपर्टी था एडम वॉरलॉक की। ये अकेला ऐसा ज्वेल है जो नाम डिजर्व करता है सोल जेम, और इसके साथ हम किसी के भी सोल मैनिपुलेट कर सकते हैं। इससे पहले कोई यूनिक और माइटेस्ट हथियार ना बना है ना बनेगा कि तभी मिस्टर डेथ अपने सेवक के साथ वहां पर आ जाती है, जहां पर वो सेवक पूछता है, तुम सच में डेथ की सर्विस छोड़ना चाहते हो? तब थानोस चौंककर उससे पूछता है, क्या क्या कह रहे हो तुम? उस पर वो जवाब देता है कि डेथ अभी भी तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रही है। तब थानोस कहता है, नहीं ऐसा नहीं है, और इसका मतलब कि मिस्ट्रेस मुझ पर नजर रख रही थी, और अगर उन्होंने ऐसा किया है तो उन्हें मेरी चाल का पता चल जाना चाहिए था। ये सिर्फ एक चाल थी उसे बहकाने के लिए। मैंने कितनी बार अपना प्यार और अपनी लॉयलिटी जाहिर की है मिस्ट्रेस डेथ के लिए। तब थानोस कहता है, मैं तुम्हारी कसम खाता हूँ, मेरा डिवोशन और मेरी सोल तुम्हारे कमांड में है, इसके बावजूद कि मैंने जो इविल काम किए हैं अपने पास्ट में, और तुम जानती हो मेरे वर्ड हमेशा तुम्हें ऑनर करते हैं। तब मिस्टर्स डेथ का सेवक कहता है, मिस्टर्स डेथ तुम्हारे टेस्टामेंट एक्सेप्ट करती है और तुम्हें गुड लक देती है तुम्हारे क्विस्ट के लिए, और वो अपने सेवक के साथ वहां से टेलीपोर्ट हो जाती है। तब थानोस सोचने लगता है, वो मुझ पर नजर रख रही है जैसा कि मैंने सोचा था, इसका मतलब मुझे डबल केयरफुल रहना होगा, और इससे पहले कि वो मेरे प्लान में कोई रुकावट डाल दे मुझे अपना प्लान कंप्लीट करना होगा। और वो अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ने लगता है, प्लैनेट टमाराटा, जहाँ पर 5 अलग अलग वारंट फेडरेशन के डिफेंस प्लान तैयार रहते हैं। एक ऐसा स्ट्रेटेजिक वर्ल्ड जो हमेशा सिच के अंडर रहता है, हार और जीत के दरमियान। ये एक परफेक्ट होम है उस एल्डर के लिए जो खुद को कहता है चैंपियन, जहाँ पर अपनी ताकत की डिंगी हाँकने वाला इमोर्टल यहाँ पर अपने फाइटिंग स्किल टेस्ट करते रहता है रोज एक नई फेडरेशन को फेस करके, और उन्हें ये सोचने पर मजबूर करता है कि वो उनके दुश्मनों की तरफ से लड़ रहा है। वो क्रिएचर जो सिर्फ और सिर्फ कॉम्बैट के लिए जीता है उसके लिए ये स्वर्ग है, और इस दुनिया में चैंपियन ने कभी भी हार का मजा नहीं चखा होगा। तब हम देखते हैं टमाराटा पर चैंपियन को लड़ते हुए और तबाही मचाते हुए। वहां पर नीचे उतरते हुए थानोस सोच रहा था, वो अपने दुश्मनों के लिए उस पावर का इस्तेमाल करता है, उसे नहीं पता कि उसमें कितनी पावर है। वो उस जेम को सिर्फ अपना गुड लक चार्म मानता है, उसे नहीं पता कि इसमें लिमिटलेस पावर्स है, अनफोकस्ड एनर्जी है, और चैंपियन उसे मैनेज करता है सबकॉन्शियस लेवल पर। उसे नहीं पता कि ये जेम क्या क्या कर सकता है। वो अपने सक्सेस का क्रेडिट खुद को देता है, ना कि इसे। वो सिर्फ इसे एक लकी चार्म मार रहा है। और नीचे उतरते हुए थानोस कहता है, मैंने अपने टेलीपोर्टर को रिप्रोग्राम कर दिया है रिमोट एक्सटर्नल फंक्शन के लिए, और वो चैंपियन को पुकारते हुए कहता है, जब तुम खेलना बंद कर दो तो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तब चैंपियन थानोस की तरफ बढ़कर कहता है, कौन हो तुम और तुम्हें क्या चाहिए? तब थानोस कहता है, मुझे थानोस कहते हैं, और मैं यहाँ पर इस प्लेनेट को तुमसे दूर करने आया हूँ। तब चैंपियन पूछता है, तुम्हें इस प्लेनेट पर क्या चाहिए? तब थानोस कहता है, कुछ नहीं, मैं सिर्फ एक वर्दी अपोनेंट के साथ बैटल करना चाहता हूँ, बस यही मेरी इच्छा है, और मुझे वो यहाँ पर मिला। तब चैंपियन खुद पर नाच करते हुए कहता है, हाँ लेकिन उसके साथ तुम्हें यहाँ पर हार भी मिलेगी, मैं चैंपियन हूँ, मैं अजय हूँ, और वो उस पर हमला करता है, लेकिन थानोस उसे आसानी से डॉज करके उसके बालों को पीछे से पकड़ते हुए कहता है, तुम अपने वार लाइट ईयर पहले ही बता देते हो। और आगे थानोस चैंपियन को पंच करते हुए कहता है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। तब गुस्से में चैंपियन थानोस की तरफ बढ़ते हुए कहता है, तुमने हिम्मत कैसे की चैंपियन का मजाक उड़ाने की, अब तुम इसकी कीमत चुकाओगे। लेकिन उस वार से भी डॉज कर थानोस उसे मारते हुए कहता है, लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता। तब थानोस पत्थरों के बीच में फंसे चैंपियन से कहता है, मैं कहना चाहता हूँ चैंपियन, तुमने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया है, मैं तुमसे और ज्यादा चैलेंज की उम्मीद कर रहा था, तुम मुझे सुन भी रहे हो वहां पर या नहीं? तभी उन पत्थरों को हटाते हुए चैंपियन बाहर निकलकर थानोस के सामने खड़ा होता है और उससे कहता है, तुम एक ट्रिकी हो थानोस, और अब मुझे इस लड़ाई को उस पॉइंट से देखना होगा जहां पर ये स्लो और इजी हो। तब थानोस अपने एनर्जी बीम्स रेडी कर कहता है, तुम पूरी तरह से मिसअंडरस्टैंडिंग कर रहे हो इसको, तुम जिस पॉइंट से इसको देख रहे हो वो वैसा है ही नहीं,
ये मुठभेड़ बिल्कुल भी इजी नहीं है और मेरे लिए तो बिल्कुल भी नहीं। थानोस अपनी एनर्जी बीम उस पर फायर करता है और कहता है, अब तुम समझे मैं क्या कह रहा था। तब उठते हुए चैंपियन कहता है, फैंसी एनर्जी बीम से भी बहुत ज़्यादा एनर्जी पड़ेगी चैंपियन को हराने के लिए। तब थानोस कहता है शायद, और वो एनर्जी बीम फायर कर कर कहता है या फिर शायद नहीं। उस एनर्जी बीम को अपने चेस्ट पर लेते हुए आगे बढ़कर चैंपियन कहता है, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है कि अगर एक बार चैंपियन ने अपना माइंड सेट कर लिया किसी चीज़ के लिए तो वो अनस्टॉपेबल हो जाता है। थानोस उसे पंच कर कर दूसरी तरफ फेंक देता है। तब चैंपियन आगे बढ़ते हुए गुस्से में कहता है, ट्रिक्स और टॉन्ट्स तुम्हें मुझसे बचा नहीं पाएंगे। तुम चैंपियन के साथ लड़ रहे हो, तुम्हें इस वक्त पावर और स्किल ही बचा सकते हैं। और वो आगे बढ़ते हुए कहता है, और तुम्हें इसके बारे में सीखना चाहिए। तभी थानोस शील्ड्स एक्टिव कर लेता है जिससे चैंपियन टकरा जाता है। चैंपियन उस शील्ड पर जोरदार मुक्के मारने लगता है और जब वो टूटने वाली होती है वो पीछे हट जाता है, जिस पर थानोस सोचता है, जैसा कि मैंने सोचा था। ये तब पीछे हटा जब विक्ट्री इसके कुछ ही वार दूर थी। तब वो गुस्से में कहता है, तुम टाइटन वॉरियर नहीं हो, असली वॉरियर किसी भी साइंटिफिक हार्डवेयर पीछे नहीं छुपते। और वो आसमान की तरफ उड़ते हुए कहता है, लेकिन आज के दिन मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगा। मैं चैंपियन हूँ, पावरफुल फाइटर इस यूनिवर्स का, कुछ भी मुझे रोक नहीं सकता। तब थानोस उसकी तरफ देखकर सोचता है, जैसा कि प्रोग्राम्ड है, चैंपियन वही कर रहा है जो मुझे चाहिए। ये मेरे उम्मीद के मुताबिक ही काम कर रहा है।